कलेक्टर मनीष सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। जारी इस आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर लागू रहेगा। उल्लंघन पाए जाने पर वॉल्व युक्त मास्क पहनने पर ₹100 प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन लगेगा। इंदौर शहर में अब नगर निगम के अधिकृत अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नामांकित अधिकारी स्पॉट फाइन कर सकेंगे। केंद्रीय टेक्निकल रिसर्च में पता चला कि N95 वाले मास्क पहनने पर कोरोना का खतरा बना रहता है, जिसके चलते वॉल्व वाले मास्क को तत्काल प्रतिबंधित किया गया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि यह काम ड्रग्स केमिस्ट के यहां से होता है। इसके लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मास्क की रिपोर्ट केंद्र सरकार टेक्निकल रिसर्च के माध्यम से इसे उपयोग के लिए मना किया है, क्योंकि हवाओं के कारण हवाओं के फ्लो को रोकने में यह मास्क नाकाम साबित होता है, जिसके चलते वायरस का खतरा बना रहता है। केंद्र रिसर्च ने इस पर आपत्ति ली है, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मास्क को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं, जो धीरे धीरे लोगों को पता चलेंगे। साथ ही दुकानों में भी इस तरह के मास्क को रखने या बेचने पर प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान अगर N95 वॉल्व वाले मास्क मिलते हैं तो दुकानदारों के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फिल्टर वाले मास्क के बारे में टेक्निकल रिपोर्ट जो केंद्र सरकार से आई थी, उन्होंने भी इस बारे में मना किया था कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो हवा का फ्लो है उसको लेकर के केंद्र सरकार की जो रिसर्च है उसने आपत्ति दी थी कि ये रिस्की है ये और इसको नहीं पहनना चाहिए। उसी क्रम में इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए? कल आदेश जारी किया है, धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ भी गया होगा, और स्पॉट फाइन शुरू करेंगे। दुकानों में देखेंगे, दुकानों में ना मिलेंगे ड्रग जो भी स्टोर से वहाँ पर कर लेंगे, इंश्योर हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने और बहुत सारे रिसर्चर्स से बात सामने आई है कि जो रेस्पिरेटरी मास्क हैं जिसमें वॉल्व रहते हैं वो भी कोरोना के संक्रमण के कारण हो सकते हैं, इसलिए उनको प्रतिबंधित किया गया है। बाकी ये काम चूँकि मुख्यतः ड्रग एंड केमिस्ट के यहाँ से होता है, तो हम लोग जो स्वास्थ्य विभाग है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसके विरुद्ध भी अभियान चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, इंदौर।